हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है ऑटोमेटिक मोटर स्टार्टर जो के खेतों में लगे होते हैं, ट्यूबवेल चलाने के लिए अपने आप मोटर को ऑन कराते हैं। अभी जो आप देख रहे हो ये दो है, स्टार डेल्टा जो के स्टार और डेल्टा स्टार्टर होते हैं उसमें लगते हैं, और यह वाला जो है ये सिंपल है। आज ये पहली वीडियो है स्टार और डेल्टा की, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो अपलोड की है वो सिंपल टाइमर वाले उनकी वीडियो ही डाली है। आज मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया है ये दोनों, यह देखें दोनों का ये ट्रांसफार्मर हो गया और यह है इसका बोर्ड है। इसमें दो रिले लगी होती हैं, एक और दो, और जो यह वाला है इसमें एक सिंगल ही रिले लगी है सिंपल टाइमर वाले पर, जो के सिर्फ और सिर्फ डेल्टा स्टार्टर के ऊपर लगता है। इसमें एक टाइमर आईसी है तो इसमें दो टाइमर आईसी है, एक और दो, जो कि 555 नंबर के है। जो बाकी का सर्किट है यह वाला, ये वही सेम है, जो ये सर्किट है वही सर्किट रहेगा। ये देख सकते हो आप, जहां से लेकर आप इतना सर्किट देखें, और इसमें एक रिले भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें ज्यादा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रिले ज्यादा लगाई गई है। यह पांच वायर वाला टाइमर है, एक दो तीन चार पांच, जिसमें एक दो तीन, ये तीनों है फेज के लिए वायर, जिसमें के ब्लू रेड और येलो तीनों फेज आते हैं। तो जो ये गांठ वाली वायर है ये सीधे आती है स्विच पर, स्विच के सेंटर पॉइंट पर आती है, और जो इसमें फेज आएगा अगर स्विच हम ऑफ रखेंगे तो वो फेज स्विच के जरिए इस वायर में आ जाएगा। अगर हम इसको ऑटो में रखेंगे, स्विच ऑन होगी तो जो फेज है जो इसमें आया था स्विच ऑफ के समय, वही फेज इस रेड वायर में आएगा वाया रिले के थ्रू। तो यह तो हम साइड में रख देते हैं। तो बाकी पहले मैंने वीडियो इस पर काफी बनाई है, आगे भी बनाता रहूंगा। अब बात करते हैं स्टार और डेल्टा, साथ में टाइमर है इसके। तो अगर हम इसमें वायर की बात करें, इसमें है एक दो और तीन, ये तीनों वायर है फेज के लिए, काली वायर एक में गांठ दी जाती है, इस तरह से गांठ दी जाती है, और बाकी है तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये वायर है इसकी। अब दोस्तों अगर आपकी शॉप पर ये आया तो आप इसे चेक कैसे करोगे, आज की वीडियो हमारी यही है। तो अगर हम इसको सिंगल फेज पर चेक करेंगे तो जो ब्लैक वायर और ट्रांसफार्मर वाली वायर है ये हम उतार लेते हैं। पहले भी आपको मैंने काफ़ी वीडियो में ये बताया है फार्मूला, अगर नहीं पता तो वहां से देख सकते हो। जैसे ही हम ऑपरेटर को ऑन करेंगे, क्योंकि ये सही है ऑपरेटर, तो इसमें क्या है कि दो रिले लगी हुई है, मैंने आपको दिखाया ना, तो दोनों रिले ऑन हो जाएंगी। और जब ऑन हुई तो जहां पर यह देखें दोनों ग्रीन वायर, इसकी कंटिन्यूटी होगी, यह देखें ग्रीन एलईडी है वो ऑन है, इसका मतलब है कि शी जो है ऑपरेटर है वो सही है। तो जैसे ही रिले ऑन होगी, दोनों रिले ऑन होती है, तो जो ग्रीन वायर है ये दोनों, इसकी कंटिन्यूटी आएगी। अगर हम जहां से क्विक स्टार्ट भी करेंगे, ये देखें इसकी दोनों ग्रीन की आ गई, और जो ग्रीन वायर के साथ ही ये जो रेड और येलो वायर है इसमें भी कंटिन्यूटी आती है। ये देखें अभी इसमें और इसमें कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद यह बंद हो जाएगी। अभी देखें, ये देखें जो है ये कुछ सेकंड के बाद इसकी जो कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो रिले है वो ऑफ हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन वायर है इसमें कंटिन्यूटी रहेगी।
अगर आप ये चेक कर रहे हो सिंगल फेज पर, तो किस तरह के पहले आपने क्लियर वाला जो एलईडी है इसको ऑन कर लिया और दोनों में कंटिन्यूटी देखनी है आपने, और आपने दोनों में देखना है कि ग्रीन में एक कंटिन्यूटी और येलो और रेड में एक जगह कंटिन्यूटी आए, लेकिन कुछ सेकंड के बाद यह बंद हो जाना चाहिए, फिर आपका जो ऑपरेटर है ये सही काम कर रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए, ये ऑन ही रहेगा। तो इस तरह से इसकी हम चेकिंग करते हैं स्टार और डेल्टा की। बाकी की जो आगे दोस्तों वीडियो इसकी मैं बनाता रहूँगा समय समय पर। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू।